शीघ्रपतन यानी कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के कारण क्या है, यदि आप समझ लेते हैं तो आपको खुद का इलाज करना भी संभव होगा और जल्दी होगा। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन अर्थात जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, वीर्यपात होना, शीघ्रपतन हो जाना, इसको अलग अलग नाम है और इसमें ये काफ़ी बड़ी समस्या है। मेरे हमारे वेबिनार में आने वाले इसमें जो 100 लोग हैं तो 100 में से 90 लोग ये बोलते हैं कि भाई हमको जल्दी गिर जाता है। एक मिनट के पहले यदि गिर जाता है, मतलब लिंग का योनि में प्रवेश होने के एक मिनट के पहले यदि गिर जाता है तो उसको शीघ्रपतन की बीमारी ऐसा बोल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी उसकी डेफिनेशन करते हैं कि भाई एक मिनट नहीं, ज़्यादा भी टाइम लगता है, मगर औरत खुश नहीं है, वो बोलती है कि मैं शुरू भी नहीं हुई और आप ठंडे हो गए, शांत हो गए, और वो फिर झगड़ा झंझट कर लेती है तो फिर वो भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है। यूजुअली एक मिनट से पहले है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम, इसका इलाज होना चाहिए। एक से तीन मिनट है तो मीडियम प्रॉब्लम है, तीन से पाँच मिनट है तो माइल्ड प्रॉब्लम है, पाँच मिनट से ज़्यादा है टाइम तो फिर वो नॉर्मल हो सकता है। औरत को खुश करना, इसके लिए यदि आप बहुत ज़्यादा फोरप्ले करते हो, बहुत ज़्यादा समय तक फोरप्ले करते हो, क्लाइट्रल स्टिमुलेशन करते हो, फिंगरिंग करते हो, योनि में उंगली डाल के उसका एक्साइटमेंट करते हो, शांत करते हो, उसका ऑर्गेजम क्लाइमैक्स ऑर्गेजम उसका कॉज करते हो पहले और बाद में फिर इसको इंसर्ट करते हैं तो औरत खुश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मगर होता क्या है कि औरत को जोश में आने के लिए टाइम लगता है, एक्साइटमेंट होने के लिए टाइम लगता है, आदमी जल्दी एक्साइट हो जाता है, जल्दी इंसर्ट करेगा, जल्दी चालू करेगा, जल्दी डिस्चार्ज करेगा, बाजू हो जाएगा। औरत बोली मैं तो भी शुरुआत भी नहीं हुई, मेरी शुरुआत भी नहीं हुई, आप तो बाजू हो गए, और फिर झंझट हो जाती है। अभी हमारे एक पेशेंट मेरे पास में आए, काफ़ी दूर से आए थे, शादी को 10 साल हो गए, 2 बच्चे हैं, अभी औरत बोली कि अभी मैं सहन नहीं कर सकती, ये बहुत हो गया। उसने पूछा हुआ क्या, बोले अभी तक मुझे 10 साल में कभी सुख मिला ही नहीं सेक्स में, अभी तक मैंने सहन कर लिया, अभी नहीं, अभी मैं, आप यदि ठीक नहीं होते, आप यदि मुझे खुश नहीं करते तो मैं निकल जा रही। तो फिर उसको एहसास हुआ कि हाँ यार, मैं तो औरत को कभी पूछा ही नहीं कि तू सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, तेरे को अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, तू संतुष्ट हो रही कि नहीं हो रही, कभी पूछे ही नहीं, कभी उसने बोला भी नहीं। अब थोड़े बच्चे बड़े हो गए, अब उसको लग रहा है कि नहीं, ये एंजॉय करना चाहिए, उसने कहाँ सुना होगा, कहाँ पढ़ा होगा, और अभी उसको लग रहा है कि मैंने तो एंजॉय नहीं किया, अभी वो डिमांड करने लगी। जैसे ही औरत डिमांड करने लगी तो ये और टेंशन में आ गया, और जो भी हो रहा था टाइम उससे भी कम टाइम हो गया, जल्दी डिस्चार्ज होना चालू हो गया, तो उसका इलाज करना होगा। तो क्या है कि कारण मैं भी बता रहा हूँ कि जल्दी डिस्चार्ज होता है, उसके कारण क्या है। नंबर एक, एक तो आपको हैबिट बन गई है, शादी के पहले आप बहुत बार हस्तमैथुन करते थे और अभी आपको मतलब फटाफट हस्तमैथुन करना, टाइम मिलता नहीं है, बाथरूम में करना, संडास में करना, रात में एक साथ सब लोग कमरे में सोए तो फटाफट चादर लेके या मतलब दुलई लेके कर लेना हाथ से, तो उसमें वो जल्दी गिराने की आदत लग जाती, तो एक वो हो सकता है। नंबर दो, कभी आप नया नया सेक्स करने जा रहे हैं, शादी हो गई, पहले कभी सेक्स किया नहीं, अभी पहली बार सेक्स कर रहे हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जल्दी हो गया, दूसरी बार किया तो जल्दी हो गया, तीसरी बार किया तो जल्दी हो गया और वो आदत बन गई। तीसरा ये हो सकता है कि आप नए पार्टनर के साथ में हैं, क्या होता है कि नया कुछ भी बोले तो अच्छा ही लगता है, आप घर का खाना खाते हो, बाहर जाते हो खाना खाने के लिए, अच्छा लगता है, वैसे ही है कि रोज़ रोज़ वही पार्टनर के साथ में एक्साइटमेंट नहीं आता, मगर पार्टनर बदल दिया तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, आप जल्दी वहाँ डिस्चार्ज कर लेते हो और फिर वो आदत बन जाती है। एंग्जाइटी जो लोगों को है, चौथा कारण, एंग्जाइटी, बहुत टेंशन एंग्जाइटी है, वो लोगों को जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है एंग्जाइटी न्यूरोसिस कि जिनको जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, जिनको ऐसा लगता है कि उन्हें घबराहट है, धड़कन हो रही है, होगा नहीं होगा, फटाफट जल्दी फेंक देंगे। पांचवा है कि कुछ लोगों का पेनिस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और थोड़ा टच हो गया तो जल्दी फेंक देगा, तो उसके लिए फिर लोकल एनेस्थेटिक मलम जो है वो अच्छा काम में आता है और उससे काफ़ी समय बढ़ सकता है। नंबर छठवा जो है वो सेरोटोनिन का कम होना। एक सेरोटोनिन ऐसा ब्रेन का हार्मोन है कि जो सिक्रीश मतलब इजैकुलेशन करने के लिए टाइम लगा देता है, मतलब उससे यदि बराबर मात्रा में है तो टाइम लगाएगा, अभी वो कम है तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट में हम क्या करते हैं कि सेरोटोनिन बढ़ाने की दवाई देते हैं और उससे फिर फायदा होता है। फिर नेक्स्ट है कि भाई आप यदि नशा करते हो,
तो जल्दी गिर सकता है, नशा है, नशा किया हुआ है तो फटाक। ऐसा बोला जाता है कि अल्कोहल इंक्रीज इज द डिज़ायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, तो नशा करने से भी फटाफट जल्दी गिर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। सबसे ज़्यादा नॉर्मल कारण जो हमें पाया जाता है वो ये है कि पहले हस्तमैथुन करते थे। हस्तमैथुन करना मतलब मुट्ठी मारना या हैंड प्रैक्टिस करना कोई गलत नहीं है, मगर वो जल्दी जल्दी करने से वो आदत बन गई जल्दी निकल जाने की, नंबर एक। और नंबर दो, शादी के पहले सेक्स किया है, कम समय है, फटाफट कर दिया, जल्दी जल्दी कर लिया, कोई आएगा कोई देख लेगा, उसकी वजह से हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि सेक्स करते करते पकड़े और उससे फिर फटाफट वो डिस्चार्ज हो गया और तब से आदत ही लग गई। तो एक कारण उनका इलाज होना ज़रूरी है, और ये इलाज के लिए मैंने मेरे कई वीडियोस हैं इसके पहले भी, वो आप देख लेना, उसकी लिंक भी दी है। और इसमें आप मेडिसिन ले सकते हैं, SSRI है, बेंजोडाइजेपिन है, फिर PDE5 इनहिबिटर्स है, ऐसे अलग अलग दवाइयाँ हम देते हैं, लोकल स्प्रे, लोकल मलम है, एनिसेटाइज कंडोम्स है, फिर स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक, स्क्वीज टेक्निक, ऐसे अलग अलग, मास्टरबेट बिफोर सेक्स, ऐसे अलग अलग हम बताते हैं और उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। प्रीमैच इजैकुलेशन ये ट्रीटेबल है, करीब करीब 100% लोगों को इसका फ़ायदा होता है, हार्डली एक दो लोग ऐसे होंगे 100 में से कि जिनको फ़ायदा नहीं हुआ, वो भी हमारा जो हम बोलते वैसा फॉलो करते नहीं है। इसलिए आपको यदि आपके शहर में नहीं कोई मिला तो मुझे नीचे नंबर दे, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करो, कंसल्ट करो, ऑनलाइन हम बात करेंगे आपसे, काम पड़ा तो वीडियो कॉल से देख लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलेंगे और आपका इलाज करेंगे। आपको तो हमारे यहाँ से दवाई हम भेज देंगे फिर, और आपका इलाज हो जाएगा। ऑनलाइन सेक्स काउंसलिंग भी हम करते हैं, ऑनलाइन सेक्स काउंसलिंग से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, बहुत लोग इससे परेशान हैं, उनके जीवन में बहुत शांति सुख समाधान आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।